नमस्कार, डी न्यूज बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान कराया है। वहीं किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियन भी समर्थन दिया है। वहीं भारत बंद का खासा असर समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंडों में भी बंद का असर दिखा। यातायात सुबह 8 बजे से ही बाधित होने लगा, जिस कारण मुख्य पथ पर यातायात 1 बजे तक बाधित रहा। आज भारत बंद सफल कराया किसानों ने। कर रहे हैं पिछले भी जितने वो कानून लाए हैं, हम लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तमाम तरह के कानून को वो हम लोगों पर थोपते रहे और हम लोगों ने सीधे उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन हमारे किसान है, ये जानिए कि वो देश को हिला भी सकते हैं और ये सरकार को हिला कर रखने का काम करेगी। हम लोग इनके समर्थन में ही यहाँ सड़क पर बैठे हैं। समय कम है, विधायक भी हम लोग के पास है। हम लोगों को तो सड़क पर आदत है बोलने की, इसलिए समय मिलते रहता है। आज समय कम है तो इतनी जन सभ्य के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए और महिला को समय देने के लिए क्रांतिकारी लाल खड़ा। ये जिस तरह से केंद्र सरकार ने 3 काला कानून लाया है जो किसान विरोधी है और इससे पूरे किसान को और खेतिहर मजदूरों को पूरी तरह से उद्योगपतियों का गुलाम बनाने की साजिश की गई है। इससे एक पूरी अर्थव्यवस्था पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा और हमारे किसान, कृषक, मजदूर तमाम लोग उन उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए यह काला कानून कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में इस तरह का छुप छुपा करके एक ऐसा काला कानून बनाया गया उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिससे पूरा देश में किसान आंदोलित है। आज पूरी दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग लंबे समय से वहां पे आंदोलित हैं। सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, उनसे वार्ता नहीं कर रही है, उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार नहीं कर रही है, दिए गए आपत्तियों को निदान नहीं कर रही है। उन किसानों के समर्थन में आज पूरा भारत बंद है किसानों के द्वारा। हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम लोग किसानों के समर्थन में इस काले कानून को वापस लिए जाने के लिए हम लोग आज भारत बंद में समर्थन कर रहे हैं। जब तक केंद्र सरकार काला कानून को वापस नहीं लेगा, किसानों की मांगों को की मांग पूरी नहीं करेगा, तब तक किसानों के इस आंदोलन में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम साथी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, बीजेपी और जदयू ये सिर्फ सत्ता पे काबिज होने के लिए देश में शासन कर रहे हैं। इनको देश की कोई चिंता नहीं है। पहले इन्होंने व्यापारियों को तबाह किया, फिर इन्होंने आम लोगों को तबाह किया, अब बारी आई किसानों की। इन लोगों ने अब किसानों को तबाह करने का ठान लिया है। जिस तरह का काला कानून इन्होंने अपने मत के, अपने सत्ता के अहंकार में इन्होंने सदन से पारित कराया है, उस तरह का काला कानून इस देश के किसानों को, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता किसको है? जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पोस पाल करके आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। जरूरत उनको थी, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका कर चुकाने के लिए इस तरह का काला कानून इस देश के ऊपर थोपा है, ताकि जमाखोरों को फायदा मिले, मुनाफाखोरों को फायदा मिले और जो देश का किसान है वो उद्योगपतियों का गुलाम बन जाए, जो अन्नदाता है वो उद्योगपतियों का गुलाम बन जाए। आज पूरे देश का किसान सड़क पर उतर करके और गिड़गिड़ा रहा है, मांग कर रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए और उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। वो रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। इसलिए आज पूरे लोग देश को, भारत को बंद करने के लिए सड़क पे उतर गए हैं। आज पूरा भारत बंद है। किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में जो भारत बंद है, उसी के तहत हम लोग CIT के तमाम कार्यकर्ता, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के लोग इस बंदी में शामिल होकर करके ये रोड जाम किए हैं।
कि काला कानून वापस हो, श्रम संशोधन कानून वापस हो, बिजली बिल का जो गलत व्यवस्था है वो समाप्त किया जाए, इन तमाम सवालों के साथ आंदोलन में शामिल है। क्या नाम हुआ? नाम राज सचिव CIT।